कहते हैं कि दर्द को बयां करने के बहुत से तरीके होते हैं। दर्द आंखों से बयां होता है, हाव भाव से भी बयां होता है, और इन सबसे अहम दर्द जुबां से भी बयां होता है। पर यह सब तुम इंसानों के लिए कहा जाए तो दुरुस्त लगता है। जब बात हम जानवरों की आती है तो हमारे पास इस दर्द को बयां करने का कोई भी मुकम्मल तरीका नहीं होता। हम बात करना चाहते हैं हमारे ऊपर हो रहे अत्याचारों की। जिसमें जोधपुर के अंदर आपके बंबई के फिल्मी सितारों की शूटिंग हो रही थी, उसमें सलमान खान बिश्नोई बेल्ट में शिकार खेलने के लिए चला गया। और सलमान खान को यह पता नहीं था ये बिश्नोई क्षेत्र है, यहां लोग प्राण देकर के भी वन और वन्य जीवों की रक्षा करते हैं। उस समय जब बिश्नोई को पता चला, उस वो लक्की में कहूंगा, सौभाग्यशाली कहूंगा, जो उनके हाथ नहीं आया, अन्यथा वो भी बचने की स्थिति में नहीं था। और इसमें प्राणियों की जो है काफ़ी सुरक्षा रहती है। जैसे आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ वन्य प्राणी घूम रहे हैं, और हम अपने निजी तौर पर भी हम प्रयास करते रहते हैं कि इनको बचाया जाए, जैसे शिकारियों से, शिकारी कुत्तों से। इसके बावजूद सिर्फ हमारी चमड़ी के लिए हर साल हम में से 10 लाख से भी ज्यादा गैर कानूनी तरीके से मार दिए जाते हैं। सच में बहुत कुछ हो रहा है हमें बचाने के लिए। ये जीव हमारे समाज के लिए, हमारी प्रकृति के लिए विशेष धरोहर हैं, इनको बचाया जा सके। हर जानवर जरूरी होता है धरती के लिए या धरती पर रह रहे जानवरों जैसे इंसानों के लिए। हम में से कभी कोई खूबसूरत दांतों के लिए मार दिया जाता है ताकि आपके घरों में नकली सजावट की जा सके, तो कोई सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है ताकि मेरे पैरों के नाखून आपके गले में लॉकेट बन के लटक सकें। सच में हर जानवर जरूरी है। अगर प्रकृति का संरक्षण करोगे, वन और वन्य जीवों का संरक्षण करोगे, तो आपको जीवन में कभी भी त्रितापों का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ लोगों के तमाशे के लिए हमें बुरी तरह जलाया जाता है। हमारे दांत औजारों से उखाड़ दिए जाते हैं, हमारी विष ग्रंथियां सुई मार के फोड़ दी जाती हैं। और जब भी ये सब पकड़े जाते हैं तो कुछ रुपया जुर्माना देकर छोड़ दिए जाते हैं। सच में हमारा कानून गुनहगारों को सजा देता है। हमारे यहाँ बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के जानवर पाए जाते हैं, विशेषकर काला हिरण, काला बुगला, काली बिल्ली,
वह हरियल नामक पक्षी पाए जाते हैं जो हमारे यहाँ विशेषकर कई सालों से बहुत झुंड के रूप में रहते हैं, क्योंकि हमारा ये विश्नोई समुदाय लोग जो है उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। वो इन अहिंसा अहिंसा परमो धर्म के नाम से विश्वास रखता है, क्योंकि इनको मारने के जो नियम हैं वो उनके खिलाफ हैं। वो 29 नियम होते हैं, यहाँ के 29 नियम होते हैं, उनमें इस जीव की रक्षा करना और जीव का पालन पोषण करना इनके विशेष धर्म में है। हम इसलिए इन प्रजातियों को बचाने के लिए विशेष मुहिम जो चलाई हुई है, आशा करते हैं हमें पूरे गांव का पूरे समुदाय का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा, ताकि इस दुर्लभ प्रजातियों को पक्षियों को पशुओं को बचाया जा सके। हम में से ही एक प्रजाति है जो तिब्बत के पठारों में पाई जाती है, जिसे कुछ लोग चीरू के नाम से जानते हैं और कुछ अंग्रेजी भाषा में एंटीलोप कहते हैं। चीरू को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसकी खाल से गर्म शॉल बनाई जा सके। आप में से कुछ लोग उसे शहतूश की शॉल भी कहते हैं, और सिर्फ एक शॉल के लिए कम से कम 3-4 चीरुओं को मारना पड़ता है। और उस एक शॉल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में $10,000 से भी ज्यादा कीमत मिलती है। पूरे भारत को तो छोड़िए, पर जम्मू कश्मीर में 2002 में ही शहतूश की शॉल पर पाबंदी लगा दी गई थी। शायद उन्हें एहसास है कि चोट लगने पर कितना दर्द होता है। ३२९ लाख हेक्टेयर की जमीन और 7,516 किलोमीटर का तटीय इलाका, 75,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं इस देश में हम जानवरों की, फिर भी हमारी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे हिसाब से ज्यादा बढ़ती आबादी है, और उसके हिसाब से जो इनका स्थान है रहने का वो जितना तेजी से घट रहा है उसके हिसाब से इनको ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तुम इंसानों को अपने रहने के लिए जमीन इतनी कम लगने लगी कि तुमने जंगलों को भी नहीं बख्शा। एक अंदाजे से हमारी 118 से ज्यादा प्रजातियां इस वक्त लुप्त होने की कगार पर हैं। 118। तुम इंसानों में से कोई एक भी मरता है तो कितना दुखता है ना, मजमा सा ही लग जाता है इंसानी बस्तियों में। क्यों मरा, कैसे मरा, किसकी गलती थी, कब हुआ? 118 से ज्यादा तो सिर्फ सवाल ही पूछ डालते हो तुम इंसान, और यहां तुम में से आधे से ज्यादा को तो पता ही आज लगा होगा कि हमारी 118 से ज्यादा प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं। कुदरत तुम्हें और हमें हर रूप में इतना कुछ देती है कि हमें आज तक समझ में नहीं आया कि हमें मार के तुम इंसानों को ऐसा क्या मिल जाता है जिसके बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते। हमारे घर, हमारे जंगल के मुखिया बाघ। 2008 के भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 1410 बाघ ही बचे थे इस देश में, और आज
शायद इससे भी कम। कई गांव हैं इस मुल्क में जिनकी सरपरस्ती में हम आज भी जिंदा हैं। मेरा नाम शारदा बिश्नोई है। मैं गांव काजलहेड़ी की सरपंच हूँ। हमारे आसपास के इलाकों में हिरण बहुत ज़्यादा हैं और ग्राम पंचायत हिरणों को बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आने वाली ग्राम सभा में हम इसका एजेंडा भी डालेंगे और सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे। जिन्हें हम विदेशी या फिरंगी कहते हैं, आइए उनके मुल्क में भी हमारे हित में बने कानूनों पर एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिका में 1641 में और इंग्लैंड में 1822 में ही ये साफ कर दिया गया था कि किसी भी जानवर के ऊपर किसी भी तरह की बर्बरता गैर कानूनी होगी और गुनहगार को कड़ी सजा दी जाएगी। इसी प्रकार सरकार ने भी अपना कानून बनाया हुआ है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, तो उसके तहत भी काफी इनकी रक्षा होती है। भारत में 1950 में एक एक्ट आया जिसके अनुसार अगर किसी ने भी जानवरों पर अत्याचार किया, क्रूरता दिखाई, तो उसे 100 रुपए का जुर्माना देना होगा, या 3 महीने की कैद या फिर दोनों। आखिर इतने सख्त कानून की जरूरत क्या है? शायद इसी सख्ती और कड़ाई की वजह से ही विज्ञान और इंसानी सेवा के नाम पर हमारे ऊपर जी भर के प्रयोग होते हैं। कैंसर की दवाई बनानी हो तो प्रयोग चूहों पर किया जाता है। हर नई दवा जानवरों पर इस तरह से आजमाई जाती है जैसे बीमारी इंसान को नहीं, हम जानवरों को है। और हमारे प्रजाति बंदरों का तो और भी बुरा हाल किया है तुमने। 100 में से 70-80 प्रयोग केवल बंदरों पर ही करते हो। वाह रे इंसान, हमें हर वो दवा खा के मरना पड़ता है जिसे खाकर तुम जिंदा रह सको। इन सबसे भी जी नहीं भरा तो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए हमें मारा जाने लगा। सौंदर्य प्रसाधन, इनकी जांच भी हम पर ही होती है ताकि तुम इंसानों को एलर्जी ना हो जाए। कोई सौंदर्य प्रसाधन तुम्हारे लिए खतरनाक साबित ना हो, कितनी अजीब बात है ना। आपके चेहरे की खूबसूरती के लिए हमारी शक्ल बिगाड़ दी जाती है। इसको वन्य जीव के लिए सेंचुरी के रूप में क्षेत्र को घोषित किया जाए। वन्य जीव हमारी प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। इनको हम संरक्षण दें और सरकार से भी मांग करते रहते हैं समय समय पर। आने वाली ग्राम सभा में हम इसका एजेंडा भी डालेंगे। जिस तरह की किसी जख्म हो गया तो उस पर हम दवाई लगा देते हैं। हमारी एक संपदा है ये। और आज जो प्रकृति के लिए सबसे बड़ा खतरा है, वन और वन्य जीवों के साथ की जाने छेड़खानी। डीसी फतेहाबाद से भी मिल चुके हैं, उनको ज्ञापन भी बिश्नोई समाज की तरफ से दिया है ताकि वन्य जीवों की रक्षा हो सके और ग्राम पंचायत हिरणों को बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इनके संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाए जाए। शुरू से लेकर आज तक पशुओं की और इन पेड़ पौधों की रक्षा करता आया है। यह सब इस इंसान से प्रकृति के साथ में जो छेड़खानी की है उसी का दुष्परिणाम आज वर्तमान में इनको भोगने को मिल रहा है। प्राकृतिक संपदा है, इसको बचाए रखने के लिए हमें विशेष प्रयास करने होंगे। उसी का परिणाम है
ये असमय में अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि होना, झंझावात होना, भूकंप आना, सुनामी आना। हम अपने निजी तौर पर भी हम प्रयास करते रहते हैं कि इनको बचाया जाए, जैसे शिकारियों से, शिकारी कुत्तों से। दुर्भाग्य ये है, प्रशासन का अवैतनिक सिपाही के रूप में काम करने वाला समाज उसकी उपेक्षा की जा रही है, ताकि इस वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके, संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां जो है हमारे यहाँ हरियाणा में बहुत कम पाई जाती हैं। सबके अपने विचार, अपनी सोच, हर कोई अपनी समझ के मुतल्लक बात रख के खामोश हो जाता है, हमें यूं ही तड़पता छोड़कर। आज हमें कोई संदेश नहीं देना है, संदेश महान हस्तियों के लिए छोड़ दो। कोई भाषण नहीं, उसे नेताओं की जागीर रहने दो। कोई सुझाव भी नहीं देना है, सुझाव तो समझदार लोग देते हैं, और तुम्हारी नजर में हम जानवरों के पास समझ तो है ही नहीं। आज हमें चेतावनी देनी है, हमें मारना बंद करो, क्योंकि हमारे आज से तुम्हारा कल है। हम कल थे इसीलिए तुम आज हो, और हम आज रहेंगे तो तुम कल रहोगे। ये किसी एक जानवर की बात नहीं है, ये सब बताने वाला कोई शेर, बाघ या बंदर नहीं है, ये सिर्फ एक आवाज है, एक दर्द है, एक बेजुबान की पुकार है।